के भाजपा विधायक की बेटी का गैर बिरादरी के लड़के से भागकर शादी करने के बाद विधायक पिता पर लगाए गए आरोप का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि भाजपा नेता प्रयागराज के उप महापौर मुरारी लाल अग्रवाल की पोती दीक्षा ने अपने परिजनों से जान का खतरा बताते हुए सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल किया है। मेरा नाम दीक्षा अग्रवाल राजपूत है और मैंने ऋतुराज सिंह राजपूत से 5 जुलाई 2019 को पूरे होशोहवास में और अपनी मर्जी से शादी की है। मैं अपने दादाजी श्री मुरारीलाल अग्रवाल इलाहाबाद के पूर्व उप महापौर, मेरे पिताजी श्री पवन अग्रवाल, मेरी बुआ फूफा दुबे जी करती हूँ कि आप पुलिस प्रशासन की मदद से और अपना पॉलिटिकल पावर यूज़ करके कृपया हमें तंग करना बंद कर दें। मैं बहुत खुश हूँ और मैं अपने पति के साथ में सुख चैन से जीना चाहती हूँ, इसलिए कृपया मुझे, मेरे पति को और मेरे ससुराल पक्ष को तंग करना बंद कर दें। मैं आपसे आग्रह करती हूँ कि आप कोई भी धमकियाँ ना दें और यदि भविष्य में हमें कोई भी हानि पहुँचती है तो उसके जिम्मेदार मेरे दादाजी, पिताजी, मेरी बुआ फूफा और दुबे जी होंगे। धन्यवाद। दीक्षा के बाबा मुरारी लाल अग्रवाल ने उसके आरोपों के बेबुनियाद बताया है। उन्होंने कहा कि 5 जुलाई को घर से कोचिंग के लिए निकली दीक्षा के शाम तक वापस घर नहीं आने पर उन्हें किडनैपिंग की आशंका हुई, जिसको लेकर उन्होंने खोजबीन शुरू की तो पता चला कि एक आश्रम में रहने वाला ऋतुराज सिंह नाम के लड़के से पहले से उसका संबंध था, जिसके साथ वह भागी थी। जिस लड़के के साथ दीक्षा ने शादी की है वह भोपाल का रहने वाला है। उन्होंने कहा कि यह उसका अपना निजी फैसला है, मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारी बेटी 5 तारीख को गायब हो गई थी तो हमको ये डर लगा कि उसका किडनैप हो गया है और थोड़ी देर में हम पर कोई दबाव आएगा कि साहब इतनी डिमांड, इतना रुपये भेज दो तो हम छोड़ दें। हम इस आशंका से उसको तलाश रहे थे। तलाशते मालूम पड़ा कि एयरपोर्ट से वो ऋतुराज नामक व्यक्ति से गई है। ऋतुराज से उसके संपर्क थे पर ऐसा नहीं मालूम था कि वो कोई उससे शादी करना चाहती थी। वो आश्रम हम जहाँ हम जाते हैं वहाँ दोनों मिलते थे, मिले होंगे वहाँ पर, तो वो ले गए। तो हमको एक तसली तो ये हुआ कि कोई उसका रंगदारी या उसका मामला नहीं कि कोई हमसे पैसा वसूलेगा, परंतु चूंकि हम अपनी बेटी से मिलना चाहते थे इसलिए हम भोपाल गए। हमने भोपाल की प्रशासन की मदद ली, प्रशासन ने हमें उनके घर से घर मिलवाया। हमारी सिर्फ इतनी बात थी कि हमें अपनी लड़की से मिलवा दो, बात करवा दो, यदि वो सहमत है तो हमें इस पर कोई आपत्ति नहीं, हम भी उसको आशीर्वाद दे देंगे। हम उसको आशीर्वाद देने के लिए हम गए थे और अभी भी आशीर्वाद देना चाहते हैं। यदि हमारी बेटी से मिलवाते हैं तो, और मीडिया में आ रहा है कि हम डरा रहे हैं, धमका रहे, ऐसी कोई बात नहीं। आप DIG भोपाल का वर्जन देख लीजिए, दैनिक भास्कर में छपा, DIG साहब ने लिखा है कि साहब अग्रवाल परिवार अपनी बेटी से मिलना चाहता था, उसको मिलवाया नहीं गया। ये हमारी शिकायत है, हमको मिलवाया नहीं गया, हमारी बेटी से अभी तक मिलवाया नहीं गया। रोज़ हम 4-5 दिन रहे वहाँ पर, उनके जो अधिकारी थे MD साहब थे उनसे मिले, MD साहब ने उनको बुलवा कर कहा भाई आप क्यों नहीं मिलवा देते हो बेटी से, हमारा कुछ भी लेना देना नहीं है, बेटी ने शादी कर ली, हम बहुत खुश हैं, वो अपने पति के साथ में अपने ससुराल के साथ खुश रहे, ये हमारा आशीर्वाद है। हम कहीं भी कोई डराने धमकाने की बात नहीं, हम सिर्फ अपनी बेटी को एक बार देखना चाहते थे। अब मीडिया के माध्यम से देख ले, हम संतुष्ट हैं। और अब एक चीज़ ये है कि क्या लगता है आपको, क्यों ऐसा बच्ची क्यों इस तरीके का आरोप लगा रही है? नहीं, वो उनको उसके ससुराल वाले गन पॉइंट से कहलवा रहे, वो तो उनकी मर्जी है, वो उसकी मर्जी नहीं है, बेटी नहीं मेरी कह सकती। वो यहाँ पर बड़े प्यार से पली है वो, और उसकी माँ, माता पिता, मैं, बाबा, हम बहुत प्यार करते थे उसको। बहुत ही इंटेलिजेंट सुशील लड़की है, वो गलत कदम उठा लिया या सही कदम उठाया अपनी मर्जी से, हमें उस पर कोई आपत्ति नहीं है। पर जो आरोप लगा रही है वो उसके ससुराल के पक्ष से हमको बदनाम करने के लिए कि हम उसको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है। हम उसकी सुखी रहने की कामना करते हैं और हमारा कोई भी डराने धमकाने का कोई भी जरा सा भी 1% भी मतलब नहीं है। हम लोग सिर्फ उसके परिवार और ससुराल के बारे में जानने और मिलने के लिए गए थे। हम अपनी बेटी को आशीर्वाद देना चाहते थे, हमारा परिवार सिर्फ उससे मिलने के लिए गया हुआ था। डराने धमकाने की बात को उन्होंने बेबुनियादी बताते हुए कहा कि हमारी बेटी बेहद शालीन है, वह ऐसा आरोप नहीं लगा सकती, उसके ससुराल के लोग उससे ऐसा कहलवा रहे हैं। हमारे परिवार को उसके इस फैसले से कोई आपत्ति नहीं है, उसने शादी अपने मर्जी से कर ली है तो हम लोग भी उसे आशीर्वाद देना चाहते थे। इसके लिए हम वहां गए थे, हमें 4 दिन तक उसके ससुराल वालों से मिलने नहीं दिया गया, जिस पर हमने DIG भोपाल से मदद मांगी।